लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से एक मांग की है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में बीते रविवार यानी 31 मार्च को हुई इंडिया की रैली में विपक्षी नेताओं ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इलेक्शन के लिए सभी को एक समान मौका देना चाहिए। विपक्ष ने यह भी कहा कि चुनाव हेराफेरी रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक्शन भी लेना चाहिए। वहीं रामलीला मैदान में विपक्षी ताकत दिखाते हुए आयोजित हुई महारैली में 5 सूत्री मांगों को रखा गया। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तत्काल रिहाई भी शामिल रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विपक्षी दलों की तरफ से ये मांगे रखी है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया था, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। दरअसल प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र बचाओ महारैली के मंच से जनता को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग से 5 सूत्री मांगे रखी। उन्होंने पहली मांग रखते हुए कहा, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में सभी दलों को एक समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव में हेराफेरी के मकसद से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों के जरिए कार्यवाही की जा रही है, चुनाव आयोग को एजेंसियों के एक्शन को रोकना चाहिए। तीसरी मांग के बारे में बताते हुए कांग्रेस की महासचिव ने कहा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत में हैं और आज ही उनको 15 दिनों तक की जेल का फैसला सुना दिया गया है। वहीं इस रैली में जनता को संबोधित करते हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि आज यहां उमड़ा जल सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसका अंत करने के लिए ये सभा आज आयोजित हुई है। आइए सुनते हैं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश हर एक प्रांत से आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई कि आपने हमारी ताकत को, इंडिया गठबंधन की ताकत को बढ़ाया है। आपके यहाँ उपस्थित होने से हम सब मंचा सिंह जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के माननीय गण हैं, सभी को ताकत मिलती है, क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहाँ भारत की 140 करोड़ की जनता है, जिनका बहुमत, जिनका हिम्मत, जिनका ताकत हम सभी को मिला है। आज भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संविधानिक संस्थाओं के संविधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई सातवें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है, जिस ढंग से हर एक जाति हर एक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए भी यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है, क्या कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा आने वाले आगामी चुनावों में। इस उंगली से हमें
हमारे गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। आपको बता दें, वहीं इस महारैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री ने सही किया? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति हैं? क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? इस बात का जवाब जनता ने अपनी चीख से दिया, आइए आपको दिखाते हैं। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर MSP निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है, देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है, ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।